Be calm, you're not directing the show. Be in your limit. दोस्तों खतरों के खिलाड़ी का भी चल रहा है ये 12वें सीजन, या दोस्तों खतरों के खिलाड़ी 12th सीजन चल रहा है, और 12th सीजन में खतरों के खिलाड़ी ने देखा है मल्टीपल होस्ट। क्या आप बता सकते हैं कितना होस्ट देखा है खतरों के खिलाड़ी ने अभी तक? वीडियो पॉज कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। लेकिन कोई चीटिंग नहीं कर लिए कॉमेंट, चलिए बता देते हैं। बात करते करते आप समझ ही जाएंगे कि खतरों के खिलाड़ी ने अभी तक कितना होस्ट देखा हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं कौन सा सीजन किसने होस्ट किया था और अगले सीजन में वो क्यों होस्ट नहीं कर पाए थे या फिर क्यों कंटिन्यू किया गया। दोस्तों खतरों के खिलाड़ी का जो पहला सीजन था, पहला सीजन एयर्ड हुआ था 21 जुलाई 2008। जी दोस्तों 2008 साल से शुरू हुआ था खतरों के खिलाड़ी का सिलसिला, और पहला जो खतरों के खिलाड़ी था वो चला था सिर्फ 3 हफ्तों से थोड़ा ज्यादा। और पहला जो सीजन होस्ट किया गया था वो था अक्षय कुमार द्वारा, बॉलीवुड के खिलाड़ी जो कि होस्ट किए थे खतरों के खिलाड़ी को। कुल 16 एपिसोड हुआ था, इतना कम समय में खत्म हुआ क्योंकि ये वीकडे में एयर किया जाता था। 12 कॉन्टेस्टेंट था और साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था। दोस्तों दूसरा जो सीजन था, दूसरा सीजन भी अक्षय कुमार द्वारा ही किया गया था 2009 साल में, क्योंकि अक्षय कुमार द्वारा ये जो शो था ये पॉपुलर होने लगा था। लेकिन दूसरा सीजन होस्ट करने के बाद ही अक्षय कुमार का डेट इशू हो गया, और हो गया पैसा वाला इशू, मतलब उनका डिमांड थोड़ा ज्यादा ही हो गया था खतरों के खिलाड़ी से, तो खतरों के खिलाड़ी वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। इसलिए तीसरा जो सीजन था, तीसरा सीजन में होस्टिंग किया गया प्रियंका चोपड़ा द्वारा। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा तभी अपने करियर के एकदम शिखर में थी। 2010 साल में खतरों के खिलाड़ी 3rd सीजन आया था, लेकिन ये जो सीजन था ये सीजन ज्यादा नहीं चला, ये सीजन पिट गया था, ये सीजन फ्लॉप हो गया, और बहुत सारा तो नहीं लेकिन नुकसान जरूर हुआ। तो इसलिए मजबूरन अगला जो खतरों के खिलाड़ी होने वाला था यानी सीजन 4, वहां पर अक्षय कुमार को लाना ही पड़ा हाई प्राइस देकर। और ये शो इस बार अच्छा चला, लेकिन उतना जो प्राइस दिया गया था अक्षय कुमार को वो प्राइस उतना रिकवर नहीं हो पाया। तो अभी खतरों के खिलाड़ी ये जो फ्रेंचाइजी था, ये फ्रेंचाइजी हो गया बहुत टेंस्ड। तो अभी क्या किया जाए, ये सोचते सोचते 3 साल हो गया। जी हाँ दोस्तों, खतरों के खिलाड़ी 2011 साल से 2014 के बीच और कोई सीजन एयर नहीं किया। 2014 की मार्च के महीने में रोहित शेट्टी द्वारा खतरों के खिलाड़ी वापस से रीओपन करवाएगा, और सीजन 4 में कुछ कोर्ट केस भी हुआ था खतरों के खिलाड़ी को लेकर, जिसके दौरान शो के चलते इशू भी आ रहा था। और 5वां जो सीजन था ये कमबैक के बाद ही हो गया सुपर हिट, और ये जो सुपर हिट हुआ इसके बाद खतरों के खिलाड़ी रुका नहीं और रोहित शेट्टी झुकने भी नहीं दिया। तो तब से रोहित शेट्टी लगा हुए है खतरों के खिलाड़ी के पीछे। लेकिन दोस्तों 7वां जो सीजन था 2016 साल में, तब अर्जुन कपूर आए थे खतरों के खिलाड़ी को होस्ट करने, क्योंकि रोहित शेट्टी का कुछ डेट इशू चल रहा था, वे शूटिंग में बिजी थे। लेकिन और कुछ ना सोच के 2017 साल से यानी खतरों के खिलाड़ी 8 से रोहित शेट्टी को एडवांस में बुक कर लिया जाता है खतरों के खिलाड़ी द्वारा। तो अभी रोहित शेट्टी क्या करते हैं, उनका प्राइस भी कम होता है, पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा है, और जानते ही है खिलाड़ी को बनाने में रोहित शेट्टी माहिर है। तो ये है खतरों के खिलाड़ी की जो होस्ट है उनके इतिहास। तो दोस्तों खतरों के खिलाड़ी के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके टिके मीठे कमेंट का।